हेलो शाक्स, हाय, माय नेम इज त्रिविक्रम, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। मैं एक्स मशीन्स का फाउंडर हूँ। एक्स मशीन्स एक रोबोटिक्स एंड एआई कंपनी है जो इंडियन एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे लेके जाने के लिए हम इस कंपनी को शुरू की गए थे। इंडिया ऐसी एक जगह है विच हैज अ पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड्स फूड कैपिटल, क्योंकि हमारे पास अमेजिंग वेदर कंडीशंस है और हमारे पास हजारों सालों का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का नोहाव भी है। फिर भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रोकते जा रहे हैं। सो वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इज मेकनाइजेशन। अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स इन आर कंट्री आर स्मॉल एंड मार्जिनल इन नेचर। इसका मतलब लेस देन 5 acres ऑफ लैंड होल्डिंग उनके पास होता है। लेकिन मार्केट में जो इक्विपमेंट अवेलेबल है जैसा ट्रैक्टर्स, वो ज़्यादातर बड़ा फार्म्स को बेटर सूट करते हैं। तो इसलिए हिस्टोरिकली फार्मर्स ज़्यादातर मैन पावर के ऊपर डिपेंड करते थे, क्योंकि मैन पावर अफोर्डेबल और इजीली अवेलेबल रहता था। बट आजकल वो ना ही अफोर्डेबल है ना ही वो इजीली अवेलेबल है। इसलिए हमने बनाया एक्स मशीन्स X100 रोबोट। दिस इज अ मल्टीपर्पज एग्रीकल्चरल रोबोट जो एक माइक्रो ट्रैक्टर के जैसे काम करता है। अलग अलग अटैचमेंट्स लेके अलग अलग काम कर सकता है, जैसे फ्रॉम सीडिंग टिल हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस। और ये प्रोडक्ट AI का इस्तेमाल से केमिकल यूटिलाइजेशन का कमी और क्रॉप प्रोडक्टिविटी का भी इम्प्रूवमेंट कर सकती है। और इस प्रोडक्ट को हम सेल्स और रेंटल मॉडल के द्वारा इंडियन फार्मर्स तक लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा आस्क है 72 lakhs फॉर 4% का इन इक्विटी। आपने बताया हैदराबाद से, राइट? हमने पढ़ाई वहीं से की? नहीं, मैं 12th तक वहाँ पर पढ़ा था। उसके बाद मैं हांगकांग में मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया था। मैकेट्रॉनिक मतलब क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। और वहाँ से फिर क्या किया? मैं अराउंड 2-2.5 years टेक्नोलॉजी में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किए थे। तो आपने जो काम किया था इससे रिलेटेड नहीं था वो? No, our families come from farming families. Achha. My grandmother still goes to the farm every single day. Which part of the country? Visakhapatnam. Achha. It's near Vizag. And in Hong Kong, did you have a scholarship? Jo university? I did. Jo course tha, wo mujhe bahut interesting laga. Aur kab aaye wapas wahan se? 2016. Vikram, very good looking product. Aapne kafi automated, interesting product banaya and aisi technology banana बहुत मुश्किल है ये। इनफैक्ट वो टेस्ला के साइबर ट्रक्स का याद दिला रहे हैं ये वाले, जो ब्लैक मैट वाले। टेस्ला से तो इंस्पायर्ड है, नाम भी एक्स मशीन्स है। एक्स मशीन्स, हाँ, थोड़ी आपके रोल मॉडल है क्या? एक्चुअली 2017 में जो डिजाइन हमने बनाया था वो एक्सट्रीम राइट वाला, वी डिड इट इन 2017 बिफोर द साइबर ट्रक, इवन बिफोर साइबर ट्रक। ही स्टोल योर डिजाइन। तो आपने बिजनेस शुरू कौन से साल से किया? वी स्टार्टेड इन 2017। ज्यादा तक R&D के ऊपर ही था हम, बिकॉज़ रोबोटिक्स इज हार्ड, रोबोटिक्स इन आउटडोर एनवायरनमेंट इज एक्स्ट्रा हार्ड, सो वी हैड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ रिफाइनमेंट्स इनटू गेटिंग इट। करता क्या है मशीन? दिस वी कॉल इट अ माइक्रो ट्रैक्टर। ये इलेक्ट्रिक होता है ये वाला जो है, एनी ऑफ दोस थिंग्स। आपकी कंपनी एक्स मशीन माइक्रो ट्रैक्टर्स बनाती है? हमारे एक्स मशीन रोबोटिक्स एंड AI के ऊपर काम करता है, जो अभी माइक्रो ट्रैक्टर्स बनाना शुरू किए थे। ठीक। अगर आपने season 1 देखा होगा तो एक जुगाड़ू कमलेश करके एक अमेजिंग एंटरप्रेन्योर आए थे। तो वो बेसिकली जो मैकेनिकल प्रोडक्ट, उसका आप एक ऑटोमेटेड वर्जन जिसको इस्तेमाल करके आप सीडिंग टिल हार्वेस्टिंग कर सकते हो। Few of those are still under development, but that is the fundamental idea. Let's start from journey of the farmer. पहले काम होगा वो plowing करने का। Either they use cattle or they loan a tractor. तो plowing में इसका कोई role नहीं? No. Okay. This is post plow. Post plowing. Okay. Post that, the activities that starts with is either seeding or sapling plantation. So the one on the extreme left to you is a seeding attachment that okay. gets latched onto the back of the product. इसमें दो तरीके का operations होगा। एक रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करने वाला, एक फुली ऑटोनोमस। फुली ऑटोनोमस होगा, GPS के द्वारा काम करते हैं। एक बार फार्म का मैपिंग एक बार करना पड़ेगा, उसके बाद ये खुद ऑटोनोमसली चल पाएगा। एंड फॉर एग्जांपल, अ फार्मर इज गोइंग विद अ फुली ऑटोनोमस सॉल्यूशन, तब क्या होगा, सीड डालेगा एंड ऑन द ऐप विच इज करेंटली वेरी क्लोज टू डिप्लॉयमेंट, उसके अंदर स्पेसिंग मेंशन करेगा कि सीड टू सीड दूरी क्या होना चाहिए, रो टू रो स्पेसिंग क्या होना चाहिए, एंड ही हिट्स गो एंड इट इज गोइंग टू ऑटोनोमसली नेविगेट, take a turn, come back, again take a turn, come back and do the plantation job. Achha. उसके बाद weed control job activity आएगा,
सो वीड कंट्रोल अटैचमेंट इसके ऊपर डालने के बाद समझो कि ऑटोनोमस सॉल्यूशन है. सो इन बिटवीन द रोस इटसेल्फ इट गोस. एंड वन प्राइमरी एडवांटेज फॉर दिस प्रोडक्ट इज इट्स वेरी कॉम्पैक्ट. सो इन टर्म्स ऑफ विड्थ इट्स अबाउट 42 सेंटीमीटर वाइड एंड इट वेज अबाउट 80 किलोग्राम्स. एंड द आइडिया इज दैट दिस शुड बी एबल टू एंटर द फील्ड even after the plants have grown to its full capacity, which you cannot do with the existing equipment. Very interesting. So this is one, we call it a rotavator. Iska kaam hai ki isi size ka hai kya? Bada lag raha. This is the X100. Actually, three sizes hai, ma'am. The smallest, the mid, and the large. Depending on the farmer's requirement and his spacing and what kind of capacity he is looking for, he can choose either of them. What you are seeing is the smallest one. This looks so cool, huh? Wow. Amazing. Ma'am, thank you. So its job is to dig till about 3 inches deep into the ground and uproot weeds in the process. That is one kind of weed control. And there are other kinds of weed control attachments. And what attachment bhi aapne banaya? Yes, ma'am. Everything. Aapko jo grass cutter wala attachment hai, that is designed to just trim the grass. Wo orchards mein acha utilization ho. The next thing is a weed control via herbicide application. So what it does, it identifies the location of the weed, it distinguishes between the weed and the plant, and only sprays chemical on the identified weed. The yellow dubbers are the weeds. You'll see sometimes green, which is for the plant itself. So typically, instead of doing it all across the farm, wasting a lot of chemical, polluting the soil, here you can just target selectively it, spray. Target it. Right. So just targeted spray of herbicide. Volume kam ho jata. Very nice. Solid, bro. Aur koi? Aur aapko sprayer wala dikhata hoon. So what happens is, insects are always hiding at the lower part of the plant and they hide beneath the leaf. Bilkul. Upar upar se karne se wo itna effective nahi hoga. So with this what you can do, you can actually swing in such a way that with the flow, chemical niche tak ghus paye. आपने तो पूरा वेपन बना दिया मैं। इसके ऊपर प्लस प्लस क्या है? क्या करें? इसका सॉफ्टवेयर है एंड जो आप फील्ड पे नॉन स्टॉप सन एंड रेन में काम करना चाहिए और जो कैपेसिटी लेट्स से लिक्विड और फर्टिलाइजर बॉक्स ये पकड़ के नॉन स्टॉप 8 आवर्स चलना चाहिए रेन को ये इट हैज टू सस्टेन दैट डस्ट इट हैज टू सस्टेन दैट एंड इट हैज टू लास्ट फॉर 7 इयर्स रगेड एंड इंटेलिजेंट या एंड इट सेव्स लेबर उतने लोगों की जरूरत नहीं है यस मैम और स्मॉल ट्रैक्टर जो है उसका ऑल्टरनेटिव इज मैनुअल लेबर और आपका ऑल्टरनेटिव एक्स मशीन्स का इंडिया में क्या है? यू हैव हैंडहेल्ड इक्विपमेंट ओके लाइक अ रोटावेटर लाइक एनी सिंपल काइंड ऑफ बैकपैक थिंग्स लाइक दैट बट व्हाट हैपेंस इज दे इंड्यूस लॉट ऑफ फटीग ऑन द ऑपरेटर ओके वो एक दिन काम कर लिया तो अगले दिन आने के लिए वो नहीं आए तो आपने ये वैसे मशीन्स कहां यूज करके देखी आई टेस्टेड इट इन फार्मर्स हु ग्रोस चिलीज हु ग्रोस tomatoes, who grows tobacco, who grows mango, yeah. sweet orange and all of those things, for whom there is a requirement for something like this. Got we it. Tested in AP, Telangana, sometimes Haryana. Now some pilot is happening in Rajasthan also. And results? Everybody likes it. So how many have you sold? Ma'am, that's a good point. We are yet to enter the market. अभी आपका विजन है पहले आपने 100 करा फिर X100 अल्ट्रा करोगे फिर X100 मैक्स अभी ये सब माइंड में अभी तक कुछ का कुछ हुआ नहीं X100 इज रेडी X100 अल्ट्रा इज आल्सो रेडी X100 मैक्स वी आर करंटली मैन्युफैक्चरिंग इट बट फंडामेंटली आर्किटेक्चर वाइज नथिंग डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाइज इज आल्सो नथिंग पेलोड पेलोड डिफरेंस है पेलोड डिफरेंस है और मैन्युफैक्चर कहां करते हो आप ये अभी हम लोकल वेंडर्स चुने थे We design everything. We split the designs, give it to multiple people. We have it manufactured. We assemble it in-house. Assembly आप in-house करते हैं? In-house करते हैं. इसका price कितना होगा? Ma'am, 3 products. It starts from 1.96 lakh. Wow. It ends at 4.5 lakh. Wow. And कितने साल चलेगा आपको लगेगा? Ma'am, 7 years is what we say. Warranty. But even post that, we can prolong the utility. But we hope by then they'll upgrade to the most latest one. और आपका average ASP आप कितना? 3.35 आता है. और 3 लाख में ये आता है कि with attachments आता है? Any one attachment. After that they are very nominally priced. 22 to 75 K के बीच में होता है, depending on the value that it is delivering. Actual tractors जो होते हैं बाकी companies की वो किस price की होती? See 3.5 lakh to you can go till 9 lakh rupee. आपने farmers से बात करी है? सर खरीदेंगे ये चीज फार्मर से बिना बात किए हुए एक लाइन भी
ड्रॉ नहीं किए थे. स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली ऑन वी नो ये कोई खरीदने वाला नहीं, ये रेंटल पे चलेगा, बट खरीदने वाला भी है. वी मेड सम यूट्यूब वीडियो फॉर सम अदर चैनल एंड दैट गॉट अबाउट 3 मिलियन व्यूज, अबाउट 1000 कस्टमर कॉल्स, 200 पीपल आर विलिंग टू पे एडवांस राइट देन. आपका क्या है जी इस पे लॉन्ग टर्म विजन? क्या सिर्फ भारत में ये करना चाहते हैं, ग्लोबली करना चाहते हैं, क्या सोचा आपने? We are receiving quite a lot of international orders. Orders या inquiries? Inquiries, which is, are going to convert into orders. वो लोग inquiries यूरोप वाली companies हजारों पड़ी हैं, उनको क्यों नहीं भेज रहे? मैम मुझे पता नहीं why they are reaching us, but there is a strong pull for this product. लेकिन 70 लाख से क्या होगा आपका? इतना capital intensive है. क्या करेंगे 70 लाख से क्या होगा? हम एक funding round close किए थे अक्टूबर पे. होंगे और आप भी डीलर्स के थ्रू बेचोगे? वन ऑफ द रीजंस वी पार्टनर्ड विद मुर्गप्पा कोरोमंडल फर्टिलाइजर इज so that they act as our sales partners. आपको मैंने पहले पूछा, आपने बोला कोरोमंडल कुछ strategic नहीं, आप बोल रहे हो उनका dealership आप use करेंगे तो it is not yet पक्की, but that is in talks. आप इसको के scale पे बहुत कम price कर सकते हो? Absolutely. कितना कर सकते हो? Our target price for this product is about 90,000 rupees. जो 1.9 lakh का है? Yes. वो आएगा 90,000 का. Yes. Scale कितना चाहिए होगा 90,000 we'll तक आने के? We'll have to do it in above 5,000 units. 5,000 units a month? Per annum. उसपे cross margin कितना होगा? We can easily get till 35%. भाई साहब ये बात ठीक है कि आपका product और passion solid है, लेकिन मुझे business बनता हुआ नहीं दिख रहा है. I'm not able to understand the proposition. क्यों इस चीज पर आप सॉफ्टवेयर लगा के फार्मर को 1 लाख में बेचेंगे? मेरे समझ के बाहर है. अगर करना ही है तो ऐसे करो कि हर फार्मर इसको अफोर्ड कर पाए. रेंटल की जो आप बात कर रहे हैं वो तो रेगुलर फार्म मशीनरी पे भी आज वही मॉडल पे रेंट हो रहा है, तो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट मॉडल. तो आई एम सॉरी लेकिन बिजनेस नहीं दिख रहा है. सो आई एम आउट. गुड लक. It's too early for me to trust you. PMF is not yet discovered. बहुत महंगा है farmers के लिए. काम आपने अच्छा करा है farmers के लिए, but क्या ये proposition ठीक है? ये पता नहीं है. It's too early. All the best. I'll be out. Cap table बताओगे आपका? I own about 67% in the company. Coromandel International, they own about 16.53. And उनके पास board seat है? और अर्लियर इन्वेस्टर्स जो इंक्यूबेशन फंड दे चुके हैं उनके पास रफली 10% है एंड विद द टीम देयर इज अबाउट 5% लेफ्ट. कितना इन्वेस्ट किया अर्ली इन्वेस्टर्स? IIIT, ISB, बिट्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट, सब मिला के रफली 95 लाख. 3 साल में कितना बड़ा आप स्केल सोचते हैं आप पहुंच पाएंगे? 3 years नहीं, but in 5 years we think there would be an annual sales of about 30,000 units. 300 crores का बिजनेस होगा? Yes. अभी आपका प्रोडक्ट कब तक आप समझते हैं लॉन्च हो जाएगा? By the end of this financial year, we already have some orders for about 15-20 units. Which will be shipping. Currently manufacturing हो रहा है उनका. तो आप कह रहे हैं इस साल के एंड तक आप 60-70 लाख की रेवेन्यू पे एंड करेंगे ऑलरेडी? यस यस. और आपका खर्चा कितना बैठेगा? 40+. तो आप कह रहे हैं इसी साल आप जो है इबिटा लेवल पे ब्रेक इवन कर जाएंगे? Unless we invest in a little bit more R&D. तो ठीक है आप मान लीजिए पूरा भी इन्वेस्ट कर दें तो बहुत ज्यादा नुकसान आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं? मैक्सिमम फार्मर्स के लोन्स होते हैं उसका सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन एक्चुअली ट्रैक्टर से होता है, तो उस कारण से ट्रैक्टर इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्क फॉर द फार्मर कि अगर उससे उनको प्रोडक्टिविटी नहीं मिले तो उनकी कमाई में तकलीफ होगी. तो उस कारण से मैं और नमिता जी साथ में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं इस बिजनेस में. हमें ये भी लगता है कि मुर्गप्पा एक अच्छा पार्टनर है, उनके साथ में मिलकर के बिजनेस बनाने में हमें बहुत मजा आएगा. तो हम आपको ऑफर देंगे प्रीवियस वैल्यूएशन पे 4% के लिए हम आपको 72 लाख का ऑफर देंगे. जो कि इनकी आस्क थी सेम सेम आस्क. त्रिविक्रम इसका प्राइस एक बड़े ट्रैक्टर के प्राइस से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट काफी कूल प्रोडक्ट है. अभी इसमें प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट फिगर आउट करना कि ये टू कूल है या टू कूल फॉर स्कूल है, चलेगा कि नहीं, वो थोड़ा मुश्किल है. sure.
एंड आपको एक बहुत अच्छी ऑफर मिली है. सो कंग्रेचुलेशंस एंड आई होप आपका लोगो भी थोड़ा फॉन्ट टेस्ला से इंस्पायर्ड लग रहा है. तो आई होप आप भी इलॉन मस्क की तरह काफ़ी एक जनरेशन ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट को इंस्पायर करें. कंग्रेचुलेशंस, आई एम आउट. बताइए क्या दुनिया भर में आपके टूल्स को लेकर के जाए क्या? डील पक्की. ऑलराइट, कंग्रेचुलेशंस. Thank you.